नमस्कार साथियों, कहते हैं कहानियाँ आपस में एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं, समझाती हैं। और कई बार कहानियाँ हमें वो सिखा जाती हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स लेकर भी हम नहीं सीख पाते। आज जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं वो हरिशंकर परसाई जी की रचना है और रचना का नाम है उखड़े खम्भे। आइए पहले साथ में पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या सीखा और क्या करना ज़रूरी है। तो जानकारी के लिए आपको बता दिया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने एक बार घोषणा की थी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों पर लटका दिया जाएगा। एक दिन राजा ने जीतकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे और शाम तक कोई नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ हैं, आनंद से हैं। राजा ने कहा, तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए और मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। जैसे ही फंदे बन के आ जाएंगे मैं सारे मुनाफाखोरों को खंभों से टांग दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल पड़ा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से लटकाया जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वो लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों पर लटके मिलेंगे। लोग दिन गिनने लगे, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात को ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए। उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बताया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उस मजदूर को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुमने ये सारे खंभे उखाड़ दिए? उसने कहा, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। राजा ने ओवरसियर को बुलाया और उससे पूछा कि क्यों जी, तुम्हें मालूम है ना कि मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी, फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? उसने कहा कि उसे बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देना चाहिए। बिजली इंजीनियर से कैफियत तलब की गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था, इसलिए उखाड़ने थे। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा कि ये जानते हुए भी कि मैं आज इन खंभों पर मुनाफाखोरों को लटकाने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया? सेक्रेटरी ने कहा, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था, अगर रात को खंभे ना हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, ये तुम्हें किसने बताया और ये तुम्हें कैसे पता चला? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे एक विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा देना। राजा ने पूछा, कौन है ये विशेषज्ञ, किसके भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है, मैं उसे अभी हुजूर के सामने पेश करता हूँ। विशेषज्ञ ने निवेदन किया, सरकार मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया कि जमीन के नीचे एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमने बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहने देते तो वह बिजली के खंभों के साथ ऊपर आ जाती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से हो जाती।
तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती, तब न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई। उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को भूल ही गए। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे, चुपचाप लौट गए। उस सप्ताह बैंक में कुछ नामों से ये रकमें जमा हुई। सुनिएगा ध्यान से। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती बिजली इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती विशेषज्ञ के नाम 25,000 रुपए और श्रीमती ओवरसियर के नाम 5,000 रुपए। और उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्म के खाते में डाली गई। कोड़ियों की सहायता के लिए दान 2 लाख रुपए, विधवा आश्रम को 1 लाख रुपए, क्षय रोग अस्पताल को 1 लाख रुपए, पागलखाने को 25,000 रुपए, अनाथालय को 5,000 रुपए। तो ऐसे होता है जब सारे मुनाफाखोर इकट्ठा हो जाते हैं, जब सारे दुर्जन इकट्ठा हो जाते हैं। और ये बात सच है कि जो लोग पूरे संस्कार वाले होते हैं वो जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं वो इकट्ठा क्यों नहीं होते। ये जो व्यंग है ये हमें क्या बताना चाहता है? दुर्जन ज़्यादा सक्रिय है? क्या दुर्जनों की सक्रियता से हमें नुकसान है या सज्जनों की निष्क्रियता से? तो यदि आप भी सज्जन हैं, आप भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो याद करिए आप कहीं निष्क्रिय तो नहीं हैं। आप अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने परिवार के बारे में, परिवार के संस्कारों के बारे में सोच रहे हैं। यदि नहीं तो फिर से दोहराती हूँ कि दुर्जनों की सक्रियता इतना नुकसान नहीं करती जितना सज्जनों की निष्क्रियता। आप सब सक्रिय हो, इकट्ठा हो, साथ मिलकर बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारा सुनेंगे, बहुत सारा सीखेंगे और बहुत सारा अमल भी करेंगे। इसी तरह की किसी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।